बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने आपको उस स्पेशल बंदे से मिलवाना है जो हमें रोज़ाना मस्जिद लेके जाता है। हम नमाज पढ़ते हैं, तरावियां पढ़ते हैं, वो भी पढ़ता है और फिर हमें वापस भी लेके आता है। ये आज मैंने वीडियोस के लिए स्पेशली स्टार्ट की है। तो ये ड्राइविंग कर रहा है, छोटा सा बच्चा है, नाम है इसका शाहीन। आई एम राइट शाहीन? ये बांग्लादेश से है, बंगाली है और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा। टाइम पे आता है, हम लोग लेट हो जाते हैं, ये कभी लेट नहीं होता, ना लेके आने में ना लेके जाने में, हमेशा हमें लेके जाता है। आज मैं आपको सारा रास्ता भी थोड़ा थोड़ा दिखाती जाऊंगी साथ साथ, और साथ साथ हम शाहीन से बातें भी करते जाएंगे। शाहीन कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? 4 साल हो गया माशाल्लाह, 4 साल हो गए शाहीन को यहाँ पे। तो अब आजकल ये वाली दीदी के पास हो बस? हाँ, या कंपनी में कर रहे हो? नहीं, उसके पास वीजा है मगर काम बाहर करते हैं। ओके ओके ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। तो ये देखें, ये आप अगर इसको मैं सामने से दिखाऊंगी, जब मैं उतरूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत छोटा सा बच्चा है, मतलब फिजीक वाइज बहुत छोटा है ऐसा लगता है, और वैसे माशाल्लाह उसकी एज ठीक है, एज ठीक है। तो ड्राइवर बना हुआ है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें, ये बाइक थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से ये जा रहे हैं अपने घर से। ये रास्ता है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि हमारे इस अमल के लिए कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा आसानियाँ जो पैदा करता है वो है शाहीन, उसके बाद इसकी दीदी हैं जिनको हम यमनी दी कहते हैं, और उनका नाम है मिराल, मिराल उनका नाम है, मैम मिराल हबीबी। वो जो है ना, वो हमें मतलब रोज़ाना ये उनकी गाड़ी है तो वो हमें पिक एंड ड्रॉप देती हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से मस्जिद में इस वक्त रश भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो सबसे बड़ी मस्जिद है तो उधर जाया जाए और उधर नमाज अदा की जाए। जैसे लाहौर में बादशाही मस्जिद है ना, वैसे अबू धाबी में ये वाली मस्जिद, शेख जायद मस्जिद जो है वो सबसे बड़ी मॉस्क है, और वहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रेयर के लिए आते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तरावियाँ अदा करते हैं, और फिर जो है वहाँ पे मतलब दुआ होती है, और उसके बाद सारे अपने अपने घरों पर लौट जाते हैं। ये फातिमा को देखें, अंधेरे में आपको नज़र नहीं आ रही, हेलो करो फातिमा। हाँ, ये थकी हुई है, रोज़ा रख के थक गई है। अच्छा शाहीन, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? अभी ये न्यूली मैरिड है? सिक्स मंथ चल रहा है, मतलब इसकी शादी को हुए हैं 6, ये 6ठा माह चल रहा है। तो ये देखे ना, रोज़ी कमाना कितना मुश्किल होता है, बीवी को वहाँ छोड़ के खुद यहाँ आया हुआ है, और इसकी बीवी से लड़ती भी होगी ऑफकोर्स कि आप वहाँ आओ मैं यहाँ हूँ, तो लेकिन रोज़ी है ना, पेट लगा ना, जब पेट लगा तो पेट के लिए तो फिर करना पड़ता है। फातिमा का फोन आ रहा है। दीदी के ये हम मस्जिद में इंटर हो रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस गेट है, और ये बस हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे।
मस्जिद नजर आनी शुरू हो गई होगी आप लोगों को। पार्किंग में जा रहे हैं, ये देखें जी इस तरह से यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करनी है। सामने मस्जिद है और अभी मैं नीचे उतर के आपको शाहीन दिखाती हूँ। ये है जी शाहीन। वालेकुम अस्सलाम। चलो जल्दी जल्दी नमाज का टाइम हो रहा है। हम पहुँच गए मस्जिद में और हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। सारे लोग आ रहे हैं। फातिमा उधर से जाना ना। तो वो तो इधर को आएंगी ना। मिराल दीदी फातिमा, वो वीकनेस हो जाती है ना। हाँ ये वीकनेस है बेटे। ये तो हाथ अब हो जा रहा है ना वैसे। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह खैर करे। ये गाड़ियाँ हैं, इन पे लोग आते जाते हैं।